नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोशनसा स्टडी पॉइंट पे और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इलेवंथ क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत उसका चैप्टर नंबर है सिक्स जिसका नाम है नागरिकता इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ठीक है जो कि फोर मार्क्स में आते हैं सिक्स मार्क्स में आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो वो सब सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे नोट्स के साथ आपको चीजें बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी है जो कि टेढ़े मेरे से क्वेश्चन आते हैं ना आपके पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो बताते हैं वो सीधे साधे होते हैं लेकिन हमारे पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं और जो थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है तो मैंने क्या किया है इस वीडियो में कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है और बाकी चैप्टर से जो भी टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सब तो ऐड मैंने कर ही दिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि भाई वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें ठीक है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई चैप्टर्स की तो ये जो चैप्टर चैप्टर है नागरिकता वाला चैप्टर और इसके अलावा जितने भी राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी चैप्टर है या फिर संविधान वाले में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर करवा दिए गए हैं एनिमेशन के थ्रू सरल स्पष्ट भाषा में रोशन साइज स्टडी पॉइंट पर करवाया गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्ले भी लिंक आ, मतलब प्ले बना दिया है जाकि आप सभी वीडियो को देख लें इसके अलावा अगर हम इससे पहले के चैप्टर्स की अगर बात करें जैसे कि अधिकार वाला चैप्टर है आपका इसके चैप्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है राजनीति सिद्धांत एक परिचय जो पहला चैप्टर था है ना इसके अलावा चौथा चैप्टर है आपका सामाजिक न्याय वाला है आपका समानता वाला है या फिर स्वतंत्रता है जिन सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है सारी वीडियो आपको एक ही प्ले में मिल जाएगा चैप्टर्स की चैप्टर की प्ले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले में एक ही है एक ही प्ले में सारी वीडियो ऐड कर रखी है तो आप लोग एक ही प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे लाइन से जैसे कि पहले चैप्टर की वीडियो है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके बाद एमसीक्यू क्यू की वीडियो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी ठीक है दोस्तों यहां पे मैंने दो लॉजिकल क्वेश्चन ऐड किया है इन दोनों ही क्वेश्चन से हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन ज़्यादा तो हार्ड नहीं है बस उसको पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया गया है ठीक है तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वे उनके कड़े संघर्ष का परिणाम है सिद्ध करो यानी कि आज हम नागरिक है जैसे मैं अपनी बात करूं मैं भारत का नागरिक हूं है ना और भारत के नागरिक होने के नाते मेरे को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं स्वतंत्रता समानता संबंधित अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार मिले हुए हैं चुनाव में वोट डालने का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार मेरे को मिला हुआ है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ लेकिन आपको पता है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय हमारे को क्या ऐसे ऐसे अधिकार मिले हुए थे नहीं मिले हुए थे इसके लिए हमारे को बहुत संघर्ष करना पड़ा ठीक है बहुत लंबा संघर्ष हुआ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में बहुत सारे संघर्ष हुए नागरिक अधिकार पाने के लिए तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट शॉर्ट में पॉइंट लिखे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको बनाना होगा क्वेश्चन के आंसर को ठीक है एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पल के थ्रू तो जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है कि गया है कि भाई यूरोपीय देशों में क्या हुआ नागरिकता अधिकार पाने के लिए संघर्ष हुआ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्रांसीसी क्रांति है ये स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के विचारधारा से प्रभावित था ठीक है तो ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ सत्रह में इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के देशों में भी बहुत सारे संघर्ष हुए नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर समान नागरिकता प्राप्त करने को लेकर बहुत सारे संघर्ष हुए ठीक है दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में भाई आपको पता है कि श्वेत जनसंख्या जो श्वेत लोग मतलब अश्वेत लोग थे जो काले लोग थे उन्होंने समान नागरिक अधिकार पाने के लिए यानी कि जो गोरे लोग थे उनके जैसे समान नागरिक अधिकार पाने के लिए क्या, -क्या? लंबा किया लंबा संघर्ष किया नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना है इस कारण वो सो अट्ठाईस साल जेल में भी रहे ठीक है तो ये ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं जो ये दर्शाता है कि नागरिक अधिकार पाने के लिए बहुत लंबे संघर्ष हुए हैं ठीक है थीके? अगला क्वेश्चन देख लेते अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि समान सदस्यता मिलने का अर्थ यह नहीं कि सभी उसका समान प्रयोग कर सके क्या आप इसके अतन से सहमत है उचित दीजिए मतलब उदाहरण दीजिए तो समान सदस्यता मिलने का मतलब क्या है कि सभी लोग उसका समान तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं समान सदस्यता का मतलब क्या है कि जैसे एक देश के नागरिक है तो उन सभी को समान अधिकार दिए गए हैं है ना अगर भारत का एग्ज़ाम्पल ले लो तो एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब वर्ग है या हम आदिवासी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो जो अमीर वर्ग है जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको भी वही अधिकार मिले हुए हैं जो कि हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं ठीक है तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि समान सदस्य का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भाई वो समान सदस्यता मिलने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आदिवासी लोग भी अपने अधिकारों का उतने ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे भाई ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि भाई लोगों की भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लोगों की आर्थिक सामाजिक पर्यावरण मौलिक आवश्यकताएँ क्या है अलग है है ना तो इसीलिए क्या करना होगा हमारे को समानता स्थापित करने के लिए जो अलग अलग लोग हैं उनके जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए हम समान नागरिक अधिकार लागू कर दें तो इससे काम चल जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है हमारे को जो विभिन्न विभिन्न लोग हैं अलग अलग जो लोग हैं उनकी जरूरतों का भी ध्यान रख के हमारे को नीति निर्धारण करना होगा ताकि समानता की स्थापना की जा सके ठीक है तो ये वैसे दो लॉजिकल क्वेश्चन थे Uh, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी थी तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया है बाकी आगे अभी इसमें लगभग सात से आठ क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिहाज से तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है नागरिकता क्या है नागरिकता से आप क्या समझते हैं नागरिकता की क्या परिभाषा है तो यहाँ पे सिंपल परिभाषा दी गई है कि नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की जाती है यानी कि नागरिकता किसी देश की किसी राज्य की आपका जो पूर्ण सदस्यता मिला हुआ है एक समान सदस्यता मतलब दूसरे लोगों को जैसी जैसे अधिकार मिले हुए हैं वैसे ही आपको अधिकार मिले हुए हैं नागरिकता के तहत है ना तो नागरिकता क्या होता है किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता ही क्या है नागरिकता है ठीक है उसके बाद है नागरिक और बाहरी व्यक्ति में अंतर बताइए नागरिक और बाहरी व्यक्ति में क्या अंतर होता है ये आपको समझना है उसके अलावा नागरिक और विदेशी में अंतर बताइए एक ही बात है उस, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया उसके बाद अथवा में एक और क्वेश्चन है कि जन्म जात और देशकृत ना देशीयकृत नागरिकता क्या होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखिए जैसे एक ही क्वेश्चन है उसको पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया गया है इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को तीन तरीके से ऐड कर दिया है अब हम बात करते हैं नागरिक और बाहरी लोगों में क्या अंतर होता है जैसे कि अगर हम नागरिक और बाहरी लोगों के भेद की बात करें तो नागरिक वह जो किसी देश या राज्य का सदस्य होता है ठीक है नागरिक कौन है जो किसी देश या राज्य का सदस्य है यहाँ पे राज्य का मतलब हमारा देश से ही है ठीक है और उसके प्रति वो क्या रहता है निष्ठावान रहता है अपने देश के प्रति क्या रहेगा निष्ठावान रहेगा अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार रहेगा वह नागरिक तथा राज राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करेगा है ना जो नागरिक होगा वो क्या करेगा जो भी नागरिक अधिकार उसको दिए गए हैं जो राजनीतिक अधिकार जो उसको दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करेगा वह देश के शासन संचालन में प्रत्यक्ष हुआ अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा मतलब शासन संचालन में जैसे कि चुनाव होता है तो चुनाव में वोट डालेगा या फिर चुनाव लड़ेगा तो वो क्या है नागरिक है देश का दूसरी तरफ हम बाहरी व्यक्ति या अन्य राज्य या जो विदेशी है उसकी अगर हम बात करें तो कोई भी बाहरी व्यक्ति है दूसरे देश से आया है तो वो क्या कहलाएगा वो विदेशी कहलाएगा वो हमारे मतलब देश के नागरिक के भांति राजनीतिक अधिकारों का, का उपयोग नहीं कर सकता है वो वोट नहीं डाल सकता वो चुनाव नहीं लड़ सकता है ठीक है ना ही देश के शासन प्रक्रिया में वो भाग ले सकता है तो ये अंतर हो गया आपका नागरिक और विदेशी अब बात करते हैं जन्म जात और देश के प्रति नागरिकता में भेद जैसे जन्म जात नागरिक वह होता है जो किसी देश में पैदा होता है है ना और उसके माता पिता उसी देश के नागरिक होते हैं तो आपको क्या हो जाएगा जन्म जात आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे तो जन्म जात नागरिकता क्या होती है जब आपका जन्म उसी देश में हुआ है और आपके माता पिता भी उसी देश में रह रहे हैं तो आपको जन्म जात उस देश की नागरिकता मिल जाएगी उसके बाद है देशीकृत नागरिक क्या होता है देशीकृत नागरिकता क्या होती है भाई तो देशीकृत नागरिक वह होता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता कुछ आवश्यक शर्तों को पूर्ण करके प्राप्त करता है जैसे कि अगर आपको यूएसए एस जाके रहना है तो वहाँ के जो शर्तें हैं वहां की नागरिकता पाने के लिए जो तो ठीक है अगला क्वेश्चन है अच्छे नागरिक अच्छे नागरिक का निर्माण करने वाले कौन से गुण हैं मतलब एक अच्छे नागरिक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए कम से कम दो उदाहरण देकर इस व्याख्या कीजिए अच्छे नागरिक के गुण आपको बतानी है अथवा में एक और क्वेश्चन है कि एक अच्छे नागरिकों को चार विभिन्न गुणों को लिखे सेम क्वेश्चन है दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा भाई एक अच्छा नागरिक अगर मैं कहूँ कि आप एक अच्छे नागरिक है तो आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए है ना आपके अंदर कुछ तो विशेषता होगा जब तो आप अच्छे नागरिक कहलाएंगे तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं देखिए सबसे पहले एक आदर्श नागरिक क्या पॉइंट लिखा है सबसे एक आदर्श नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ से करता है एक अच्छा नागरिक क्या करेगा अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ से करेगा अभी आप अट्ठारह साल के हुए नहीं है लेकिन जब आप अठारह साल के हो जाएंगे तो आप भी वोट डाल पाएंगे और यहाँ पे क्या है कि आपको अपने मताधिकार का प्रयोग क्या करना है बहुत ही सूझबूझ से करना है पाँच के चक्कर में आप ना बिक जाए ठीक है कई आपको पता है कि भाई भारत में क्या होता है बोतल के चक्कर में अधा पौवा के चक्कर में जो हमारे लोग हैं वो बिक जाते हैं है ना लालच में आके वोट डाल देते हैं जो उनको पौवा आधा पिला देता है तो ये चीज़ नहीं करता एक आदर्श नागरिक क्या करेगा अपने मत का इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ से करेगा शासन की प्रक्रिया में भागीदार करेगा वो मतलब भाग लेगा इसके अलावा आ, ऐसा करके नागरिक देश आ, देश की अच्छी सरकार की स्थापना कर सकते हैं हम है ना तथा स्वयं को उदासीनता की अवगुणों से बचा सकते हैं मतलब बहुत सारे लोग जो है ना राजनीति प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं ना वोट डालने जाते हैं ना चुनाव में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी लेते हैं लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहिए कम से कम वोट तो डालना ही चाहिए ताकि आप एक अच्छे सरकार की स्थापना कर सको इसके अलावा आदर्श नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति क्या रहता है सचेत रहता है निष्ठा पूर्वक उन्हें निभाता है मतलब अपने सभी कर्तव्यों का पालन वो अच्छे से करता है इसके अलावा वो ईमानदार होता है है ना वो चारित्र चारित्रिक दृष्टि से हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्यक्ति क्या हो ईमानदार हो है ना अनुशासित होना अनुशासित हो, होता है और आत्म निर्णय रख आ, रखना जानता है मतलब कि अपनी बातों को रखना जानता है एक अच्छा नागरिक ठीक है इसके अलावा अच्छी जानकारी देश विदेश के बारे में रखता है वो शिक्षित होता है नागरिक जाहिर सी बात है एक अच्छा नागरिक होगा तो शिक्षित होना जरूरी है भाई आप शिक्षित हुआ पढ़े लिखे ठीक है बुरे कानूनों का शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक उपायों से विरोध करता है जो भी अगर सरकार ने गलत कानून बना दी तो उसका विरोध कैसे करेगा वो शांतिपूर्वक तरीके से करेगा ऐसा नहीं कि मार्कआउट करना स्टार्ट कर दे वो अच्छे नागरिक की विशेषता नहीं है देशभक्त होगा स्वयं से पहले देश के बारे में सोचेगा देश को रखेगा तो ये अच्छे नागरिक की प्रमुख विशेषताएं हैं लगभग सात पॉइंट बता दिए गए भाई यहाँ पे अच्छे नागरिक की विशेषता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान भी है पेपर में आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर करें आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है कोई भी देश की नागरिकता आप कैसे खो सकते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि भाई विदेश में स्थायी निवास अगर आप दूसरे देश में जाके रहने लग जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी उस देश की नागरिकता आपको ग्रहण करनी पड़ेगी भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा आपको मतलब भारत की नागरिकता आपसे छीन लाएगी देश विद्रोह या निरंतर निरंतर विद्रोही गतिविधियाँ अगर आप कोई देश विरोधी गतिविधि करते हैं आप किसी आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं या फिर जो भारत के खिलाफ़ षडयंत्र रचते हैं उनको सपोर्ट करते हैं तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है है ना आपने किसी विदेशी से विवाह कर लिया तो उस समय में भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है इसके अलावा किसी भूभाग का पृथक होने पर यदि देश का कोई हिस्सा किसी समझौता या संधि द्वारा अलग हो जाता है वहाँ के सभी नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे वह उन्हें पहले देश की नागरिकता खोनी पड़ेगी मतलब छोड़नी पड़ेगी जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ मान लो जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट है ठीक है जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट है मान लो एकदम से क्या होता है वो पाकिस्तान का पार्ट बन बन जाता है आपको पता भी है कुछ पार्ट भाई पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो जो पार्ट दूसरे देश की सीमा में मिल जाएगा वहाँ के जो जितने भी लोग होंगे उनको भा... मतलब उस देश की पहले वाले देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी जैसे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले जो भाग है जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं किसी समय हमारे देश का हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान ने उस, उस पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के जो लोग थे उनसे भारत की नागरिकता छिन गई वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए ठीक है तो कोई देश किसी संधि के द्वारा किसी दूसरे देश की सीमा में मिल जाता है तो उस देश उस जगह के जो नागरिक हैं उनको पुराने वाले मतलब पहले वाले देश की नागरिकता खोनी पड़ती है ठीक है इस तरीके से आप समझ चुके होंगे तो नागरिकता चार तरीके से यहाँ पे खोई जा सकती है चार पॉइंट बता दिया है किसी जगह पे आप विदेश में जाके आप निवास कर सकते हैं या फिर आ, देश विद्रोह के समय आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है किसी विदेश से विवाह कर लिया आपने है ना या फिर आपके इलाके का जो विलय है वो किसी दूसरे क्षेत्र में हो गया तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है आगे हम बढ़ते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता किसे कहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण और समान सदस्यता जो किसी देश की आपको संपूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई होगी तो उसका मतलब क्या है देखिए पढ़ते हैं हम इसको इसका अभिप्राय है कि नागरिक को देश में जहाँ भी चाहे रहने पढ़ने काम करने का समान अधिकार प्राप्त हो समान अवसर मिले अमीर गरीब नागरिकों को मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के तो यही क्या है समान सदस्य सदस्यता समान और संपूर्ण सदस्यता का मतलब है कि किसी नागरिक को बिना भेदभाव के उसको पढ़ने काम करने और जितने भी मूलभूत आवश्यकता के अधिकार है उस सब अधिकार उसको मिले। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक नागरिकता क्या है सार्वभौमिक नागरिकता से आप क्या समझते हैं देखिए सार्वभौमिक नागरिकता किसी देश की पूर्ण सदस्य उन सबको उपलब्ध होना चाहिए जो सामान्यता उस देश में रह मतलब रह रहे हैं और या फिर आवेदन कर रहे हैं नागरिकता पाने के लिए क्या कर रहे हैं आवेदन कर रहे हैं और नागरिकता देने की जो शर्त है सभी शर्तों को क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं ठीक है जो भी मतलब शर्त निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा कर रहे हैं या फिर वो, वो आवेदन भी कर रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए ठीक है इसी को क्या बोलते हैं सार्वभौमिक नागरिकता बोलते हैं तो राज्य वैसे क्या कर रहे हैं बाहर से आने वाले लोगों का मिल ऐसे नागरिकता नहीं देते हैं यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे शरणार्थी या फिर अप्रवासी लोगों की हम बात कर रहे हैं जो दूसरे देश से आते हैं तो उनके लिए सार्वभौमिक नागरिकता की अवधारणा है वैसे इसका पालन ज़्यादातर देश नहीं करते हैं जो बाहर से आने वाले लो, लोग हैं राज्य उनको नागरिकता नहीं प्रोवाइड कराते हैं ठीक है थीके? तो सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब है कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सभी को मिलनी चाहिए जो क्या करते हैं देश से आवेदन करते हैं कि उनको उस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए ठीक है आई बात समझ में अब अगला क्वेश्चन है शरणार्थी का अर्थ स्पष्ट कीजिए शरणार्थी होते कौन है शरणार्थी का मतलब बताना है तथा विस्थापन के कारण क्या है मतलब कि इन शरणार्थियों को क्यों विस्थापित होना पड़ता है तो देखिए शरणार्थी मतलब है कि वो लोग जो अपने घर बार को छोड़कर अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं ठीक है विस्थापित हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं शरणार्थी बोलते हैं जो राज्य विहीन है जो अपने देश को छोड़ के आए हैं जैसे कि हमारे देश में बांग्लादेश से आते हैं बहुत सारे शरणार्थी म्यांमार से भी कई बार आते रहते हैं ठीक है अब ये कोई भी व्यक्ति कोई भी लोग शरणार्थी क्यों बनते हैं तो अकाल के का समय है ना युद्ध होगा सुनामी अत्याचार के समय भी वो देश को छोड़ देते हैं तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति शरणार्थी बन बन जाते हैं कोई दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका शरणार्थी वाला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श ना नागरिक के मार्ग में आने वाली दो बाधाएं बताइए एक आदर्श नागरिक हूँ मैं मैं अपनी बात करूँ तो लेकिन दो मेरे मार्ग में बाधाएं आती है जो कि मतलब मेरे को एक अच्छा नागरिक नहीं बनने देता एक तो सांप्रदायिकता है भैया सांप्रदायिकता का मतलब क्या है कि भाई धर्म के आधार पर मारकाट होता है धर्म के आधार पर लोगों को भड़काया जाता है आजकल आपको पता है जो कि आपके अंदर के जो नागरिक आदर्श नागरिकता वाली जो गुण है ना उसको छीन लेता है आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हो आप अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हो ठीक है आपको आपके माइंड को वॉश कर लिया जाता है धर्म के नाम पे ठीक है तो ये हो गया एक तो सांप्रदायिकता वाला पॉइंट हो गया दूसरा है अनपढ़ता अनपढ़ता यानी कि भाई नागरिक बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो अपने नागरिक अधिकारों के बारे में ज़्यादा सचेत नहीं रह सकते हैं अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत नहीं रहते हैं अपने नागरिकता संबंधित जो अधिकार है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये दो मतलब आदर्श नागरिक के मार्ग में आने वाली दो बाधाएँ हैं ठीक है तो ये तो भाई सात क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका बाकी दो क्वेश्चन मैंने पहले बटा बता दिए थे तो नौ क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जो कि एग्जाम में आते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और आप लोगों ने लिख के भी देख लिया होगा बाकी अगर आप इसके पी चाहते हैं भाई पी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पी को ठीक है ज़्यादा देखिए यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो सभी मतलब क्वेश्चन जो है आसानी है कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था नहीं नॉर्मल क्वेश्चन थे आप लोग आसानी से समझ गए होंगे ठीक है बाकी अगले वीडियो में हम राष्ट्रवाद के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और राष्ट्रवाद है इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता वाला जो चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसको भी हम कर लेंगे ठीक है तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखें